अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हो तो उसके एक्सटीरियर की हालत देखने से ज्यादा जरूरी है आप उसके इंजन की हालत को जांच लें। और इंजन की हालत जानने का बहुत में से एक तरीका है इंजन का बैक कंप्रेशन चेक करना। आप जो ये डिपस्टिक देख रहे हैं, इस डिपस्टिक को आपको बाहर निकालना है और इसमें से देखना कि कोई धुआं तो नहीं निकल रहा, यहां से जो इंजन ऑयल है वो बाहर की तरफ तो नहीं गिर रहा है, यानी कि उछल के बाहर तो नहीं आ रहा। अब उसको चेक करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक कागज का टुकड़ा लेना है और कागज का टुकड़ा जो है वो जहां से आपने डिपस्टिक निकाली थी उसके वाले होल के ऊपर रख देना है बिल्कुल ऐसे, और चेक करना है थोड़ी देर स्टार्ट इंजन में 5-6 मिनट के लिए आसपास कि इसमें कुछ ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक डॉट्स से तो नहीं आ रहे हैं। और अगर गाड़ी का इंजन बैक कंप्रेशन के साइंस दे रहा है तो भाई साहब डीलर को बोलना ये चूना अपने चाचा को लगाए। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इंजन बैक कंप्रेशन नॉर्मल नहीं है, बहुत सी गाड़ियां जैसे VW की गाड़ियां होगी, टाटा नेक्सॉन डीजल की अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो उसमें डीकंप्रेशन देखने को मिलता है आपको, लेकिन अगर उसके साथ आपको लग रहा है कि माइलेज गिर गई है और इंजन का पिकअप बिल खत्म हो गया तो समझ लीजिए भाई साहब आपका इंजन भी ओवरऑल होने की कंडीशन में आ गया है।